नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार, बताइए क्या सेवा करें? पहचाना मुझे? क्यों, शाहरुख खान हो क्या जो आपको पहचान लूंगा? वही आएगा तभी पहचानोगे क्या? हाँ बिल्कुल, उसको तो सब पहचान लेते हैं। मेरे मोबाइल का क्या हुआ? भरने के लिए देके गया था आपकी दुकान पर, 10 दिन हो गए। कौन सा मोबाइल था? एप्पल वाला। एप्पल वाला? उसमें बहुत खर्चा आएगा, बहुत प्रॉब्लम आ गई है उसमें। ये तो आप फोन पर भी कह रहे थे, तभी तो मैं दौड़ के आया हूँ आपके पास। बहुत अच्छा किया आपने जो दौड़ कर चले आए। तो बताइए क्या खराबी आ गई? देकर गया था जब मैं फोन, तो फोन लॉक हो गया था, लॉक तोड़वाने के लिए आपको फोन दिया था, पासवर्ड भूल गया था मैं। हाँ हाँ मुझे पता है, पासवर्ड ही जानने के लिए हम फोन खोल रहे थे, तभी उसका डिस्प्ले जो है ना वो क्रैक हो गया, डिस्प्ले टूट गया है। पासवर्ड फोन के अंदर पर्ची में लिख कर रखा होता है क्या जो फोन खोल रहे थे? पासवर्ड जानने के लिए ना फोन को खोलना पड़ता है। एंड इज द मेन फंक्शन इज इन द फोन एंड आई एम द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट वाज द फोन। वो मेरे वाइफ का फोन था, गुस्सा हो रही है, मेरा फोन ले ली है, बोलती है पहले मेरा फोन लाके दो फिर मैं तुम्हारा फोन दूंगी। आपका फोन हो चाहे आपके वाइफ का फोन हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उस मोबाइल पर ना बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा, तभी सही हो पाएगा वो। आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? तो मैं क्या करूँ? कुछ ना करो, मेरा मोबाइल मुझे वापस दो, मैं उसे अपनी बीबी को दूं और अपना फोन उससे वापस लो। मोनू एक काम कर, इसके मोबाइल का ना सब पार्ट इकट्ठा करके एक लिफाफे में बांध कर दे दे। समोखा यार, पूरा छीछा लेदर हो गया है यार। क्या छीछा लेदर हो गया? हाँ हो गया होगा छीछा लेदर, तू इकट्ठा करके दे दे बस। इकट्ठा कैसे करके दे दे, जैसे मैं देकर गया था वैसे करके दो। देखिए भाई साहब, आपका मोबाइल यहाँ नहीं बन सकता है, बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है, ऐसी ऐसी चीजें खराब हो चुकी है ना जो यहाँ नहीं मिलता है। जब आप बना नहीं पाते हो तब लिए क्यों थे फोन बनाने के लिए? कितने दिनों से मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, ऐसा लगता है कुछ खो सा गया है, कुछ फीका फीका सा लगता है। कितने दिनों से मैं स्टेटस नहीं लगा पा रहा हूँ, 10 दिनों से मैंने एक भी रील नहीं डाला है। इंस्टा पर मेरे फॉलोवर नाराज हो गए होंगे, ऐसा लगता है मेरी आधी दुनिया खत्म हो चुकी है। जब से मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है उसी दिन से मैं हमेशा नशे में रहता हूँ। देखिए भाई साहब, आप चाहे नशे में रहते हैं, चाहे अधिया पीते हैं, चाहे पौवा पीते हैं, कच्ची पीते हैं चाहे पक्की पीते हैं, ये सब आपकी प्रॉब्लम है। लगता है आज भी कच्ची पीकर आए हो आप, थोड़ा कम बोलो, आपके मुंह से गंद आ रही है। तो आपके मुंह से कौन सी गुलाब जल की महक आ रही है? आप यहाँ बकवास करने आए हो कि मोबाइल बनवाने आए हो ये बताओ पहले। अच्छा ये बताइए मेरे मोबाइल में हो क्या गया है और उसी हिसाब से खर्चा बताइए कितना लगेगा। उसमें बहुत सारी दिक्कत आ चुकी है, उसका मेन बोर्ड उड़ चुका है, उसका डिस्प्ले टूट चुका है और उसकी बैटरी भी जल गई है, उसका स्पीकर भी फट चुका है। क्या बकवास कर रहे हो, इतनी सारी प्रॉब्लम कैसे आ गई? देकर गया था तो केवल लॉक नहीं खुल रहा था, मैं पासवर्ड भूल गया था। मेरी बात सुनो ध्यान से, मेन पीसी इज द फॉल्ट ऑफ द गिवन कंडीशन दैट इज द ऑपरेशन, योर मोबाइल इज डेड ओनली एंड द प्रॉब्लम इज मेन। आप नहीं जान पाओगे क्या क्या दिक्कत है। अच्छा बताओ तो सही और क्या क्या खराब हुआ है उसमें? अबे तू इंजीनियर है क्या जो पूछ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तुझे क्या क्या खराब हुआ है? ऑपरेशन करके मेरे मोबाइल का जो तुम लोगों ने छीछा लेदर किया है, मैं तुम दोनों का ये हाल करूंगा कि तुम लोग अंग्रेजी बोलना भूल जाओगे। देखिए आप बदतमीजी ना कीजिए, नहीं तो ऐसी मार मारेंगे, ऐसी जगह मार मारेंगे ना कि मोबाइल चलाना भूल जाओगे, पूरी जिंदगी मोबाइल नहीं चला पाओगे, समझ में आया? ऐसा करो जैसा मेरा मोबाइल था वैसा ही बंद करके दो। ठीक है मोनू, इसका मोबाइल बंद कर दे दे यार, नट बोल्ट चिपका कर दे दे इसको। मुझसे पैक नहीं होगा यार, इसका नट बोल्ट सब खो चुका है। नट बोल्ट खो गया? ऐसा काम कर जो बचा है ना वो सब कपड़े में बांध कर इसको दे दे, दे दे इसको, भगा जल्दी से यहाँ से। पूरा मोबाइल चाहिए मुझे, मोबाइल सिर्फ लॉक हुआ था, तुम लोगों ने उसे खोल खाल कर पूरा उसका मोबाइल का चिथड़ा उड़ा दिया है। आता जाता कुछ नहीं है, बस मोबाइल की दुकान खोल के बैठ गए हो। ओए ज्यादा बकवास मत कर, भाग यहाँ से। देखिए भाई साहब, हमारा मोबाइल हमको वापस कर दो, अपनी एक किडनी बेचकर और लोगों से पैसे उधार लेकर मैं मोबाइल खरीदा था। मोबाइल हाथ में नहीं रहेगा तो सब लोग कर्जा मांगने लगेंगे, और अब किडनी भी नहीं है कि दूसरा मोबाइल खरीद कर दे सकूं। मेरी बात सुनो, अपनी एक किडनी और आंखें है ना इसको बेच दो, उसके बाद कहीं से कूद कर अपनी जान दे दो। सही बता रहा हूँ, लेने देने से भी बच जाओगे और अपनी बीवी से भी बच जाओगे। मैं ऐसे नहीं मरूंगा, तुम दोनों को भी साथ लेकर मरूंगा। ओए तू ऐसा कर, बाहर निकल, निकल बाहर। मैं बाहर चला जाऊंगा, मेरा मोबाइल दो, मैं भी यहाँ खड़ा होना नहीं चाहता। कह तो रहा हूँ भाई, कपड़े में बांध कर अपना मोबाइल ले जा, अब लिख कर दूं क्या तेरे को कि अपना मोबाइल ले जा। मैं धोबी हूँ क्या या लॉन्ड्री का काम करता हूँ जो कपड़े में बांध कर ले जाऊँ अपना मोबाइल? मैं जैसा मोबाइल देके गया था वैसा मेरा मोबाइल चाहिए, चालू करके दो मेरा मोबाइल, मैं कुछ नहीं जानता। मोबाइल चालू करके दो? मेरी बात सुन, तेरा मोबाइल ना पूरी जिंदगी में अब चालू नहीं हो सकता है, ये सच बता रहा हूँ। ऐसे ही ले जाना है तो ले जा। तो फिर क्यों लिया था इसको बनाने के लिए? मैं पुलिस को बुला के ले आऊंगा, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके मोबाइल को बनाना पड़ेगा। इज द चिप प्रॉब्लम, सर्किट प्रॉब्लम एंड दी वी वांट लुकिंग मेनी मोर प्रॉब्लम, देन गो टू लूसिंग एंड पुशिंग। अब ये लूसिंग पुशिंग क्या है?
ये ना बहुत बड़े सर्विस सेंटर का नाम होते हैं, सर्विस सेंटर वाले हैं ये। ये कैसा अजीब अजीब नाम है, ऐसा लगता है जैसे मैं चाइना की गलियों में आया हूँ मोबाइल बनवाने। यही तो सर्विस सेंटर है जहाँ पे आपका मोबाइल बन सकता है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा मोबाइल बनवा दो, किसी भी तरह बनवा दो, चाहे लूसिंग में भेजो चाहे पोसिंग में भेजो, बस मेरा मोबाइल किसी तरह बनवा दो। ठीक है बन जाएगा। ऐसा कीजिए आप 10 दिन के बाद आइए, मिल जाएगा आपका मोबाइल। पैसे हो तो 2000 रुपए जमा करवा दीजिए। ठीक है, ये लो 2000 रुपए। इस बार मैं मोबाइल लेने आऊँगा तो पूरी ट्राली भर के आदमी लाऊंगा। अगर मोबाइल नहीं मिला ना तो बहुत मार मारूंगा और तुम्हारा पूरा दुकान ट्राली में भर के ले जाऊंगा। जा जा, धमकी किसको देता है, तू चाहे ट्राली से आना चाहे ट्रेन से आना, जा तू, देख लेंगे।